हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग अच्छे से होंगे और YouTube से डाउनलोड करके अपने इस वीडियो को आप लोग अगर एक बार दो बार उसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और पढ़ने की कोशिश करेंगे तो अच्छी अच्छी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। और इसके बाद भी यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको ज़रूर आप व्हाट्सएप ग्रुप से या फ़ोन नंबर से या अलग से आप उस चीज़ों को पूछ के अपने डाउट्स जो है कि क्लियर कर सकते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे, पिछले टर्न पे हम लोग पढ़े थे या पिछले वीडियोज़ में हम लोग देखे थे कि किसी भी वोल्ट मीटर का अमीटर में कैसे रूपांतरण किया जाता है। तो उसमें आपको बहुत डिटेल करके समझाया गया था कि वोल्टमीटर एक अमीटर एक ऐसी डिवाइस है जो परिपथ में मानने वाली धारा का मापन करती है। और आदर्श अमीटर वो होता है जिसका अपना प्रतिरोध जो है शून्य होता है। उसको हम अलग कंडीशन लेके सिद्ध भी किए थे और देखे भी थे। वोल्टमीटर का जो दूसरा उपयोग है वह है धारा मापी का वोल्टमीटर में रूपांतरण। वोल्टमीटर क्या होता है? तो वोल्टमीटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो किसी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बताती है। वोल्टमीटर की सहायता से हम लोग किसी भी परिपथ के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर बता सकते हैं और विभवांतर मापने के जो यंत्र है उसी यंत्र को हम लोग वोल्टमीटर कहते हैं। अब वोल्टमीटर के मापने का जो उसका इकाई है वो इसके वोल्टमीटर के सेंसिटिविटी पे, दक्षता पे निर्भर करती है। अब जैसे कि वोल्टमीटर अगर मिली वोल्ट को माप रहा है तो उसको मिली वोल्टमीटर कहेंगे, माइक्रो वोल्ट को माप रहा है तो उसको माइक्रो वोल्टमीटर कहेंगे और सीधे वोल्ट को नाप रहा है तो वो वोल्टमीटर होगा। वोल्टमीटर को हम लोग किसी भी परिपथ में कैसे यूज़ करते हैं? तो मान लीजिए हम लोग के पास एक सरल परिपथ है जिसमें एक सोर्स है और इसमें दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं R1 और R2। सोर्स का विद्युत वाहक बल जो है E है। अब हम लोगों को अगर यहाँ पे इस प्रतिरोध के दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना है तो इसी के बीच हम लोग समानांतर क्रम में अपने वोल्टमीटर को जोड़ देते हैं। तो वोल्टमीटर को जिन दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापना होता है उन दो बिंदुओं के बीच जो है समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो परिपथ में धारा बहती है। परिपथ में धारा के बहने के कारण इस प्रतिरोध में जो विभव पतन होता है उस विभवांतर को ये वोल्टमीटर माप देता है। तो वोल्टमीटर इस प्रकार से इसके धारा विभवांतर को माप देता है। वोल्टमीटर में विभव मापने का सिद्धांत क्या है? तो सिद्धांत जो वही है जो धारा मापी का सिद्धांत है। धारा मापी का सिद्धांत क्या था? तो धारामापी का सिद्धांत था कि किसी भी धारामापी में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो धारामापी में लगी कुंडली में विक्षेप उत्पन्न होता है और कुंडली का जो विक्षेप होता है वह विक्षेप जो है सीधे सीधे कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुपाती होती है। अब चूंकि भी प्रोपोर्शनल टू आई होता है तो आई अगर फाई आई के प्रोपोर्शनल है तो फाई जो है भी के भी प्रोपोर्शनल होगा। तो कुंडली का विक्षेप जब धारा माप सकता है या मापता है तो कुंडली का विक्षेप जो है विभव को भी माप देगा, विभव को भी माप के बताएगा। अब इसके हिसाब से हम लोग बात करें कि हम लोगों को किस प्रकार से विभव मापना चाहिए या वोल्टमीटर की हम लोगों की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किस तरह के वोल्टमीटर का उपयोग ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो उसके लिए मान लीजिए कि पहले परिपथ में एक वैद्युत स्रोत ई लगा हुआ है और इसमें दो प्रतिरोध लगे हुए हैं R1 और R2। अभी वोल्टमीटर नहीं लगाया गया है तो उस स्थिति में इस परिपथ में बहने वाली जो धारा होगी वह धारा कितनी हो जाएगी? तो धारा बराबर विभव अब बटे कुल प्रतिरोध। तो चूंकि R1 R2 समानांतर क्रम में है इसलिए परिपथ की धारा हो जाएगी I=E/R1+R2। इसलिए A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा? ये परिपथ की धारा हो गई ए तथा बी के मध्य या उनके बीच
कापी भगवान तक, कापी भगवान तक कितना होगा? तो विभवान तक भी बराबर होगा, भी होता है आई आर, तो ये हो जाएगा भी बराबर। अब ए और बी के बीच जो प्रतिरोध लगा, इसी में प्रतिरोध में धारा बहेगी, तो बी को पतन होगा आई आर, आई आर टू। अब आई का मान यहाँ से रख देते, हो जाएगा ई आर टू अब आई आर वन प्लस आर टू, इसको मान लें समीकरण नंबर एक। तो अब इतनी इतना विभव जो है, इतना विभव जो है ए और बी के बीच में होगा, जो समीकरण नंबर दो एक से दिया गया है। अब जब हम लोग इस बिंदु ए और बी के बीच में एक वोल्टमीटर को जोड़ेंगे, तो धारा का कुछ भाग अवश्य ही इस वोल्टमीटर से भी होकर गुजरेगा। वोल्टमीटर से होकर जब धारा गुजरेगी, और वोल्टमीटर का अपना कुछ न कुछ प्रतिरोध होगा, तो वोल्टमीटर का जो अपना प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध के कारण परिपथ के प्रतिरोध पर प्रभाव पड़ेगा। अगर वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो है आर भी है, वोल्टमीटर का प्रतिरोध जो हम ऐसे ले लें आर भी, रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर, तो किसी भी प्रतिरोध के समानांतर में जब हम प्रतिरोध जोड़ते हैं, तो कुल प्रतिरोध के मात्रा में कमी आती है। तो अब जो पहले आर टू प्रतिरोध था, उसके जब आप इसके समानांतर क्रम में एक और प्रतिरोध आ गया, इसलिए इसका इसका तुल्य प्रतिरोध बदलेगा। तो नीचे आ जाए, यदि आर भी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध है, तो आर टू तथा आर भी का तुल्य प्रतिरोध आर टू डैश लेने पर, अब ये समानांतर क्रम में है, आर टू और आर भी जो है समानांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध जो है आर टू डैश ले लिया जाए, तो क्या होगा? तब परिपथ की धारा हो जाएगी लेने पर ए तथा बी के बीच विभवांतर। अब इसका विभवांतर कितना होगा? तो निश्चित है बदलेगा, क्योंकि प्रतिरोध बदला हुआ है। और विभवांतर होगा कितना? तो विभवांतर होगा आई इंटू आर टू डैश, और आई तुम्हारा वही होगा जो पहले है, ई बाई ये बदल के हो जाएगा, आई भी बदलेगा। तो आर टू लेने पर आई बराबर पहले निकालना, आई हो जाएगा हम लोगों का ई बाई आर वन प्लस आर टू डैश, ये पहले था आर वन प्लस आर टू चेंज हुआ आर टू डैश में, तो आई भी चेंज होगा। तो आई का मान हो जाएगा ई बाई आर वन प्लस आर टू डैश इन टू आर टू डैश ये वाला, और आई का मान जो है यहाँ से। तो निश्चित है कि प्रतिरोध बदला है, तो विभव बदलेगा। विभव हम लोगों को मापना था भी, ये विभव मापना था, ये विभव था ए और बी के बीच में, लेकिन वोल्टमीटर जोड़ने के कारण, इसका अपना प्रतिरोध होने के कारण विभव में परिवर्तन हुआ। और विभव में परिवर्तन जो मतलब विभव हम लोगों को मापना था, वो अभी वो नहीं माप रहे हैं, हम लोग एक नया विभव माप रहे हैं। यह विभव जो है पुराने विभव से कुछ कम होगा, कितना कम होगा? तो इन दोनों विभवों का अंतर निकाला जाए, ये समीकरण एक में भी निकला है, समीकरण दो में भी डैश निकला है, तो समीकरण एक और दो से हम लोग इन दो विभवों का अंतर निकालें कि वोल्टमीटर को जोड़ने के बाद विभव में जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है। तो विभव ए तथा बी के बीच प्राप्त विभव में अंतर, मतलब जो दो प्रकार का विभव हम लोग निकालें वो कितना है, तो है भी माइनस भी डैश। और भी माइनस भी डैश में मान रखते हैं हम लोग, तो हो जाएगा भी मतलब ई आर टू बाई आर वन प्लस आर टू माइनस ई आर टू डैश बाई
आर वन प्लस आर टू डैश। अब इसको यदि हल कर लो तो हल करने के लिए सबसे आसान उपाय है कि ई इसमें से कॉमन ले लें, क्योंकि यहाँ समय है, बाकी तो कुछ कॉमन है नहीं। तो आर टू इंटू आर वन प्लस आर टू डैश माइनस आर टू डैश माइनस आर टू डैश इंटू आर वन प्लस आर टू, और नीचे गए आर वन प्लस आर टू और आर वन प्लस आर टू डैश, ये होगा। इसमें कुछ नहीं, कुछ विशेष नहीं है, ई कॉमन निकाल दिया गया, ये लघुत्तम हो जाएगा। लघुत्तम लेने के बाद इससे इसमें भाग करेंगे, ये कटेगा ये बचेगा, इसका गुणा जो आर टू में होगा तो वो लिख दिया गया, वैसे इससे भाग देंगे तो ये कटेगा ये बचेगा तो इसका गुणा आर टू डैश में होगा, तो उसको लिख दिया गया। अब इसको हल करें हम लोग तो ई और यहाँ होगा आर वन आर टू प्लस आर टू डैश माइनस आर वन आर टू माइनस आर टू, ये गलत हुआ, ये आर टू डैश है, आर टू डैश और यहाँ होगा आर टू डैश बटे आर वन प्लस आर टू और आर वन प्लस आर टू डैश, ये होगा। इसमें से कुछ कटने वाली राशि है, कटने वाली राशि जो आर टू डैश जो ये कटेगा। अब इसके बाद जो बच गया उस पर बात करें हम लोग, तो बचने वाली राशि हो गई हम लोगों की वी माइनस वी डैश का मान निकाल रहे थे हम लोग, अब ये हो गया कितना, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब ये पद बचा आर वन आर टू, और ये इसमें से आर वन कॉमन ले लें तो हो जाएगा आर टू माइनस आर टू डैश बाई आर वन प्लस आर टू और आर वन प्लस आर टू डैश, ये बचेगा। तो लॉजिक ये चल रहा था कि इस बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर, प्रारंभिक विभवांतर भी था। हम लोगों ने वोल्टमीटर जब इसके समानांतर क्रम में जोड़ा, प्रतिरोध बदला, प्रतिरोध बदलने से विभव बदला, नया विभव हो गया वी डैश। तो वोल्टमीटर जब लगाया गया तो वोल्टमीटर का सीधा काम है कि इस समय जो विभव है ए और बी के बीच का वह माप के बताए। अगर वोल्टमीटर आदर्श वोल्टमीटर होता, मतलब इस वोल्टमीटर को लगाने के कारण इस ए और बी के बीच में विभव में कोई परिवर्तन इसके कारण नहीं होता, तो विभव कितना मापता है, ये भी। लेकिन ये चूँकि इसका प्रतिरोध है, इसका प्रभाव इस पर पड़ेगा और नया विभव हो गया वी डैश। तो अब मापना था वी, माप दिया वी डैश, तो वी डैश और वी का अंतर हम लोग निकालें इतना। इसका अंतर यदि शून्य होगा तभी जाके जो है वी जो है वी डैश के बराबर होगा। यानी कि आदर्श वोल्टमीटर प्राप्त करने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो इस संबंध को ध्यान से देखिए, ई आर वन आर टू माइनस आर टू डैश बाई इतना। तो आर आर वन आर टू आर टू डैश ये कभी ऋणात्मक नहीं हो सकते, क्योंकि प्रतिरोध और प्रतिरोध कभी ऋणात्मक नहीं होता। ये विद्युत वाहक बल है, इसका तो ऋणात्मक होना ना होने से रहा। तो बच गया कि इसका पूरा मान शून्य करना है, तो बचा यही आर टू माइनस आर टू डैश, इसी का मान शून्य होना चाहिए। तो भी का मान भी डैश के बराबर हो, इसके लिए आवश्यक है कि आर टू माइनस आर टू डैश का मान जो है शून्य होना चाहिए। तो आर टू माइनस, यदि आर टू माइनस आर टू डैश बराबर हम शून्य कर लेते हैं, जैसे मिल जाएगा आर टू इक्वल टू आर टू डैश। आर टू डैश क्या था और आर टू क्या था, तो इसको इसका व्युत्क्रम ले लें हम लोग, एक बटे आर टू बराबर एक बटे आर टू डैश। आर टू डैश था क्या, आर टू डैश जो है इस धारामापी के सॉरी विभवमापी के प्रतिरोध और इस आर टू के तुल्य प्रतिरोध का प्रतिरोध को हम लोग आर टू डैश लिए थे, और चूंकि इसका प्रतिरोध विभवमापी के प्रतिरोध को हम लोग आर ही माने थे, तो आर टू डैश का मान जो है कितना होगा, तो वन बाई आर भी प्लस वन बाई आर टू। यानी हम लोग के पास एक संबंध मिल रहा है यहाँ पे, वन बाई आर टू इज इक्वल टू वन बाई आर भी प्लस वन बाई आर टू।
वन बाई आर टू प्लस इधर भी है, बराबर इधर प्लस है, तो ये वन बाई आर टू से वन बाई आर टू कट जाएगा पूरा का पूरा, और यहाँ बचेगा कितना, वन बाई आर भी इज इक्वल टू जीरो, यानी कि आर भी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि आर भी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, आर भी इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर ही हम लोग को क्या मिलेगा, भी बराबर भी गैस, यानी कि जो विभव है उसी विभव का मापन करेगा वह वोल्टमीटर, जो विभव दो बिंदुओं के बीच में है कहीं पर भी, उसी विभव का मापन कोई वोल्टमीटर तभी करेगा जब उसका प्रतिरोध अनंत हो। इसको दूसरे भाषा में भी कह सकते हैं कि अनंत प्रतिरोध वाला जो वोल्टमीटर होता है वह एक आदर्श वोल्टमीटर होता है, या इसको और भी दूसरे भाषा में बोले तो आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध जो अनंत होता है। अब अनंत प्रतिरोध का वोल्टमीटर कैसे बनाएंगे, या वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत होने का मतलब क्या है, बहुत अधिक हो, तो वोल्टमीटर का प्रतिरोध अनंत बहुत अधिक या अनंत कैसे करते हैं, तो उसके लिए जो हम लोग धारा मापी लेते हैं, तो धारा मापी की जो कुंडली होती है उस कुंडली के सीरीज में श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं, और उच्च प्रतिरोध जोड़ने के बाद जो है वही धारा मापी जो है वोल्टमीटर का काम करने लगती है। देख कितना बड़ा अंतर है, आदर्श अमीटर का अपना प्रतिरोध शून्य होना चाहिए, और उसके विपरीत आदर्श वोल्टमीटर का अपना प्रतिरोध जो है वो अनंत होना चाहिए। अब अनंत तो संभव है नहीं, इसलिए यहाँ पे आर भी का जो मान होता है, अर्थात जो विभवमापी का जो प्रतिरोध होता है, अनंत तो हो नहीं सकता, इसलिए आर भी का जो मान होता है वह हम लोग इस आर वन आर टू की तुलना में बहुत अधिक रखते हैं। आर भी का जो मान होता है वह इस R1 प्लस R2 की तुलना में बहुत अधिक रखते हैं। तो यदि 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 हम लोग बहुत ही उच्च प्रतिरोध को धारा मापी की कुंडली के श्रेणी क्रम में जोड़ कर रखे हैं, जिसका मान जो है जहाँ पे हम लोगों को विभवांतर ज्ञात करना है वहाँ के प्रतिरोध से बहुत अधिक है, तो वह वोल्टमीटर जो है एक आदर्श वोल्टमीटर की भांति कार्य करता है। इसके बाद से हम लोगों को ये देखना है कि एक धारा मापी है जो इसिंच, आप एक लाइन और लिखोगे कि आदर्श वोल्टमीटर क्या है, तो आदर्श वोल्टमीटर वो होता है जिसका प्रतिरोध अनंत होता है। अब आदर्श वोल्टमीटर प्राप्त करने के लिए हम लोग धारा मापी के कुंडली के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ देते हैं। कितना उच्च प्रतिरोध, तो इतना उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं कि किसी भी प्रतिरोध के सिरों पे उसको हम जोड़ें तो उस प्रतिरोध की तुलना में इसका प्रतिरोध, मतलब धारा मापी में जोड़ा गया प्रतिरोध का मान जो है बहुत अधिक होता है। उस स्थिति में जाके वोल्टमीटर जो है आदर्श वोल्टमीटर की भांति जो है काम करता है, या उसमें जो दक्षता में जो कमी आती है वो बहुत कम होती है, यानी कि लगभग यथार्थ मान का मापन जो है वो कर लेता है। अब इसके बाद प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास एक वोल्ट एक धारा मापी है, और धारा मापी का आपको पता है उसका डायल का विक्षेप जो है बहुत अधिक नहीं होता है, और उससे हम बहुत उच्च विभव को नहीं माप सकते, तो किसी धारा मापी से अगर हम लोग को उच्च विभव का मापन करना है तो उसके लिए कैसे क्या करेंगे। तो मान लीजिए हम लोग के पास ये प्रतिरोध है, और इसी प्रतिरोध के सिरों पे हम लोगों को विभवांतर को मापना है, और इसमें इस तो विभवांतर को मापना है, तो विभवांतर को मापने के लिए हम लोग मूल रूप से धारा मापी ही उपयोग करते हैं। तो धारा मापी लिए और इसमें जाने वाली धारा को आई जी ले लिए, और आपको बताया गया है कि इसी के श्रेणी क्रम में एक उच्च प्रतिरोध जोड़ते हैं जिससे कि धारा मापी किसमें बदल जाए, वोल्टमीटर में बदल जाए। तो यहाँ पे जो प्रतिरोध हम लोग जोड़ रहे हैं उस प्रतिरोध को मान लें कि हम लोग आठ प्रतिरोध जोड़ रहे हैं, और ये कोई दूसरा प्रतिरोध है, और इसके बीच का विभवांतर जो मान लीजिए भी है, तो हम लोग बात करेंगे सिर्फ इसका कि इस भी बोल्ट के विभवांतर को मापने के लिए कितना प्रतिरोध जोड़ा जाना चाहिए, जहां आईजी जो है उस धारा मापी में प्रवाहित होने वाली धारा है। तो
तो ये धारा मापी और प्रतिरोध मिल के वोल्ट मीटर का काम करेंगे। तो इस हिसाब से अगर किसी धारा मापी को हम लोग समानांतर क्रम में किसी प्रतिरोध के स्रोत से जोड़ दिए हैं तो यहाँ पे जो इस ए और बी के बीच का जो विभव होगा वही विभव जो है इस धारा मापी के भी सिरों का होगा क्योंकि दोनों समानांतर क्रम में हैं। और भी बराबर होता है आई आर, तो आई आर आर के जवाब हो जाएगा जी प्लस आर, जहाँ जी जो है इस धारा मापी का अपना प्रतिरोध है, आर जो इसके सिरे क्रम में जोड़ा गया जो प्रतिरोध हुआ है आर, और आई जी जो है इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है। यहाँ से हम लोग इस मान ये आर का मान निकालें, ये हो जाएगा वी बाई आई जी इज इक्वल टू जी प्लस आर, यहाँ से हो जाएगा आर इज इक्वल टू वी बाई आई जी माइनस जी। यही वह प्रतिरोध है जो किसी धारा मापी पे जोड़ने पे हम लोगों को उचित वोल्ट मीटर प्राप्त होता है। भी वह विभव है जिसको हम लोगों को मापना है, एक उसके आसपास एक विभव हम लोगों को पता होना चाहिए कितनी धारा उसमें जा रही है और उस धारा मापी का अपना प्रतिरोध कितना है। इसकी सहायता से हम लोग ये निकाल लेंगे कि भी विभव को मापने के लिए कितना प्रतिरोध जो उसके सिरे क्रम में जोड़ना होगा, जिससे कि यह धारा मापी जो है एक उचित वोल्ट मीटर के रूप में कार्य कर सके। तो ये एक फार्मूला है जिसकी सहायता से हम लोग किसी धारा मापी में जोड़े जाने वाले प्रतिरोध के मान की गणना करते हैं। तो यहाँ से यहाँ के पूरा हुआ धारा मापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण, और धारा मापी का वोल्ट मीटर में जो रूपांतरण करते हैं लोग, वह रूपांतरण जो है धारा मापी के कुंडली में श्रेणी क्रम में उचित प्रतिरोध जोड़ के किया जाता है। अब प्रतिरोध कितनी मात्रा में जोड़ा जाएगा, तो प्रतिरोध की मात्रा जो यहाँ से प्राप्त की जाती है, जहाँ आई जी धारा मापी में जाने वाली धारा है, जी धारा मापी का अपना प्रतिरोध है, और भी जो है इसके सिरों का विभवांतर है या वह विभवांतर जिस विभव को हम लोगों को मापना है। इसके बाद नया टॉपिक है धारा लूप चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में इसके पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव पढ़ चुके हैं। वैद्युत द्विध्रुव के सेम एज मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल। धारा लूप मतलब ये एक लूप जिसमें धारा ऐसे प्रवाहित हो रही है, धारा लूप होगी। तो किसी धारा लूप में यदि धारा प्रवाहित हो रही है तो इस लूप में धारा प्रवाहित होने के कारण जो है इसके चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आरस्टेड का प्रयोग, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, कि जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक, जो ही चुंबक शब्द आता है तो ही हम लोग के दिमाग में एक परिकल्पना आती है कि जब चुंबक है तो उसके दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। चुंबक है तो चुंबक में निश्चित दो ध्रुव होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो धारा लूप में चुंबकीय द्विध्रुव कैसे बनता है उसको समझा जाए। तो मान लीजिए कोई लूप है और इस लूप में धारा एक दिशा में बह रही है, दो लूप ले एक साथ हम लोग, तो इस लूप को बहुत ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए इसमें धारा की दिशा ऐसे है तो लूप ऐसे है और धारा जो है इसमें ऐसे लूप है, ये इस चित्र में तो धारा ऐसे बह रही है, ऐसे मतलब इसको मैं ऐसे घुमा रहा है, ऐसे धारा अगर घड़ी होता तो क्लॉकवाइज हो गया ये वाला, और इसकी दिशा बदलने तो एंटी क्लॉक हो जाएगा।
तो ये चुंबकीय द्विध्रुव के रूप में काम करता है। तो चुंबकीय द्विध्रुव है तो इसके दो ध्रुव होने चाहिए। दो ध्रुव की पहचान कैसे करेंगे? तो दो ध्रुव की पहचान करने के लिए एक बहुत सरल उपाय है लेंज के नियम के आधार पर, कि इसमें हम लोग देखें कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला का दो अक्षर है, एक ले एन और एक ले यस। अंग्रेजी वर्णमाला का एन और यस लेकर इसमें सोचें कि इसमें कौन सा अक्षर फिट बैठेगा। जैसे यहाँ पे अगर हमको लिखना हो तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, और यहाँ लिखना हो तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो लूप में धारा को देखने पर जिधर से धारा क्लॉकवाइज दिखती है, इधर का सिरा जो यस यस मतलब दक्षिणी ध्रुव, तो इधर का सिरा जब दक्षिणी ध्रुव तो इसी लूप को इधर से जो देखेगा उसको ये घड़ी की उल्टी दिशा दिखाई देगी, यानी कि एंटी क्लॉक होगा, उसको इस चुंबक का यह सिरा दिखेगी, इस तरह का दिखेगा, यानी कि उधर से ये उत्तरी ध्रुव होगा। यानी कि एक तार है और तार में धारा जो क्लॉक वाइज दिशा से मतलब जिधर से देख रहे हैं उधर से धारा की दिशा क्लॉक वाइज है तो वह सिरा दक्षिणी ध्रुव, और जिधर से देखने पर धारा की दिशा जो एंटी क्लॉक वाइज है वह सिरा जो है चुंबक का उत्तरी ध्रुव बनता है। यानी कि एक ही तार के जो दो भाग जो दो ध्रुव बनते हैं, अगर धारा की दिशा ऐसे है तो ये वाला सिरा जो है उत्तर दक्षिणी ध्रुव होगा और ये सिरा जो है उत्तरी ध्रुव। इस प्रकार ये दो ध्रुव मिलकर द्विध्रुव की रचना करते हैं जिसे कि हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव कहते हैं। तो एक धारा लूप जो है एक चुंबकीय द्विध्रुव की बात काम करता है। जिस सिरे से देखने पर धारा की दिशा क्लॉकवाइज दिखती है वो दक्षिणी ध्रुव, और जिस सिरे से देखने पर धारा की दिशा जो एंटी क्लॉकवाइज दिखती है वो उत्तरी ध्रुव होता है। और ये दोनों ध्रुव मिलकर जो है द्विध्रुव की रचना करते हैं। अब किसी धारावाही परिनालिका को किसी चुंबकीय क्षेत्र में डाल दें तो पूरे धारावाही परिनालिका पर अब किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक चुंबकीय क्षेत्र में दंड चुंबक दंड चुंबक पर द्विध्रुव आघूर्ण दंड चुंबक। तो इसमें मान लीजिए कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में एक दंड चुंबक स्थित है। तो दंड चुंबक को हम लोग धारावाही प्रणालिका को भी हम लोग एक दंड चुंबक की भांति मानते हैं। धारावाही प्रणालिका में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो धारावाही प्रणालिका जो है पूरा का पूरा जो है एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है। पूरी धारावाही प्रणालिका जो है एक दंड चुंबक की भांति कार्य करती है, और इसमें जो है कि ये तार के फेरे लपेटे गए होते हैं। तो आप तो यार दंड चुंबक रखिए या उसी क्षमता का एक धारावाही प्रणालिका रख दीजिए। और प्रणालिका का अक्ष होता है, ये प्रणालिका का अक्ष की प्रणालिका के दोनों वृत्ति सिरों के केंद्रों को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये प्रणालिका का अक्ष होता है। और पूरी प्रणालिका जो इस चुंबकीय क्षेत्र से अगर थीटा कोण पर स्थित है तो क्या स्थिति बनेगा? जब इसके प्रत्येक परिपथ में प्रत्येक तार में प्रवाहित धारा का मान I हो और कुल फेरों की संख्या जो है n हो, तो एक फेरे पर बलयुग्म एक फेरे पर जो चुंबकीय बलयुग्म लगता है चुंबकीय बलयुग्म का जो आघूर्ण लगता है उसका मान हम लोग निकाले थे। एक फेरे पर लगने वाले चुंबकीय बलयुग्म के आघूर्ण का मान आई ए बी साइन थीटा, जहाँ आई उस कुंडली में बहने वाली धारा है, ए उस कुंडली का क्षेत्रफल है, बी चुंबकीय क्षेत्र जिसमें कुंडली स्थित है, और थीटा जो है उस लूप के अक्ष और चुंबकीय क्षेत्र के बीच बना कोण होता है। अब इतना बल आघूर्ण जो है एक लूप पे लगेगा तो कुल फेरों की संख्या अगर n है तो कुल बलयुग्म आघूर्ण की मात्रा हो जाएगी, ये एक लूप पे हुआ तो कुल बलयुग्म आघूर्ण की मात्रा हो जाएगी n i a b sin थीटा। इसमें से n i a b को एक साथ रखिए और इस थीटा को b sin थीटा को अलग कर लीजिए। इसके बाद वैद्युत क्षेत्र वाले आर्टिकल में आपको समझाया गया है कि P वैद्युत द्विध्रुव हो, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो, और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो, और द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में जो कोण हो थीटा हो, तो उस द्विध्रुव पे लगने वाला जो कुल बलयुग्म आघूर्ण होता है वह होता है P E साइन थीटा। एक बार फिर ध्यान से सुने,
पी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण हो, ई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो और उस ई वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव जो है क्षेत्र से थीटा कोण पर स्थित हो, तो उस द्विध्रुव पर लगने वाला कुल बल, कुल वैद्युत बल का आघूर्ण जो होता है उसकी मात्रा होती है पी ई साइन थीटा। तो ई वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत ध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान इतना होता है। बी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर या किसी प्रणालिका पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण का मान इतना होता है। इन दोनों की अगर तुलना करें, समीकरण एक और दो में जो दो समीकरण लिखे गए हैं, तो ई और बी एक समान है, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, साइन थीटा अपने जगह पे है। तो पी के जवाब पे जो राशि आ रही है वो कितनी आ रही है, एन आई ए। तो जो एन आई ए राशि आया, इसी राशि को हम लोग कहते हैं चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण इसको हम लोग कैपिटल एम से दिखाते हैं और इसका मान कितना होता है, एन आई ए। अब इस एन के मान, इस मान को हम एक नया परिभाषित नाम निकला और इस एम के मान को उठा के इसमें रख दें तो हो जाता है चुंबकीय द्विध्रुव का मान चुंबकीय द्विध्रुव के पद में एम बी साइन थीटा, जहाँ एम बराबर एन आई इंटू ए। एन है उस प्रणालिका में लिए गए कुल फेरों की संख्या, आई उसमें प्रवाहित होने वाली धारा और ए है लूप का क्षेत्रफल। तो यहाँ से आके निकला ये चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का अब नया परिभाषा यहाँ के पूरा होगा, ये आर्टिकल यहाँ के पूरी हो जाएगी और इसके बाद से फिर नया एडिंग होगा चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, इसमें वही न्यूमेरिकल वैल्यू और वो क्या कहते हैं उसका जो मात्रक बीमा वगैरह के लिए काम करना है। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण कभी हम लोग देखे, इसको हम लोग एन से डिनोट किए थे, इसका मान होता है एन आई इंटू ए, यही है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। अब इस मान को हम लोग वहाँ लेके चल रहे हैं, टैव बराबर एम बी साइन थीटा। अब इसमें यदि थीटा बराबर 90 अंश तो टैव का मान अधिकतम होगा और ये कितना होगा, तो होगा एम इंटू बी, यहाँ से एम का मान निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा टैव मैक्सिमम बटे चुंबकीय क्षेत्र। तो किसी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, चुंबकीय आघूर्ण का वह बल आघूर्ण होता है जो द्विध्रुव को एकांक व एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत रखते हुए द्विध्रुव पर लगता है। यानी कि B बराबर यहाँ पे एक कर दें तो M बराबर क्या हो जाएगा, M बराबर टाउ मैक्सिमम हो जाएगा। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान उस बल आघूर्ण के बराबर होता है। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान M क्या है, M है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण का मान उस चुंबकीय बल आघूर्ण के बराबर होता है जो चुंबकीय द्विध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, जो चुंबकीय द्विध्रुव को एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर लगता है। एक बार फिर ध्यान से सुने कि यदि बी का मान एक टेस्ला हो, बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र, तो बी का मान एक टेस्ला हो तो एम बराबर टाउ मैक्स हुआ, यानी कि चुंबकीय द्विध्रुव ही चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। एक मिनट इसको हिंदी में लिखने को कह दिया, यह है चुंबकीय चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। और यह है चुंबकीय चुंबकीय बल आघूर्ण। तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जो है चुंबकीय बल आघूर्ण के बराबर होता है। कब, जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एकांक हो
और कोण का मान कितना हो 90 आंसू। एकांक चुंबकीय क्षेत्र में छेद के लंबवत रखे किसी चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल आघूर्ण का मान उस चुंबकीय द्विध्रुव के चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के समान होता है, बराबर होता है। अब यहाँ से इसका मात्रक और विमा लिख लेना है। यहाँ से इस सूत्र से m इक्वल टू टाऊ और बाई बी, यहाँ से इसका इसके बाद जो है m का मात्रक और विमा, मात्रक विमा लिखना बताया गया है, इसको आप लिखेंगे। इसके बाद जो है इस परिभाषा के बाद m का मात्रक और विमा लिख लीजिएगा, बस यहाँ के ही पूरा होगा। इसके बाद से हम लोग चुंबकीय द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा, चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में उस पर जो स्थिति ऊर्जा है उसके मान की गणना करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। ओके।